कुछ लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है। कुछ दिन पहले मुझे एक लेडी ने कॉल की थी। जैसे कुछ लोगों से टाइम मिलने पे मेरी बात होती है, वो अपनी एक दुविधा का जिक्र कर रही थी कि जब भी वो प्रार्थना करने बैठती हैं या पूजा करने बैठती हैं, उनके अंदर एक विचार पैदा होता है और वो विचार ये है कि मेरा पति मर जाए। सुने इस बात को गहराई से, बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है। ये बात सुनने में नॉर्मल लगती है, कई बार किसी से झगड़ा हो जाए तो ऐसे विचार आने लगते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनकी दुविधा थोड़ी सी अलग है। वो अपने पति को बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने बैठती हैं तब ये विचार आने लगता है। एक डेढ़ घंटा मेरी बात हुई उनसे, अब उन्हें बड़ा डर लगता है कि कहीं ये विचार मैनिफेस्ट ना हो जाए, कहीं ये विचार सत्य सिद्ध ना हो जाए। घंटा डेढ़ घंटा मैंने बात की उनसे, पागल नहीं है वो, लेकिन बस एक छोटे से भेद को देख नहीं पा रही। वो बात अलग कि ये छोटा सा भेद कितना बड़ा हो जाए एक दिन जीवन में कि वो पागलपन की ओर ले जाए। ध्यान पूर्वक सुने इन बातों को, सुनने की कला बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मुझे ये बार बार बोलना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो नए लोगों तक पहुँचे। कृष्णमूर्ति जिक्र करते हैं गॉसिप और वरी, ये दोनों बड़ी सिमिलर हैं। ये किसी और इशारा करती हैं, अगर कोई उस इशारे को पकड़ने वाला हो। गॉसिप यानी मसालेदार बातें, चुगली करना। अब ये गॉसिप सिर्फ चुगली करने तक सीमित नहीं है, या बिना जाने कुछ लोग किसी अफवाह को ही फैला देते हैं। कई बार बेबात की बातें जिनका ना तो कोई सर होता है ना ही पांव होता है। कृष्णमूर्ति के हिसाब से ये जो रेस्टलेस माइंड होता है, ये जो व्यक्ति भीतर से बेचैन होता है, ये उसका संकेत है। मैं तुम्हें अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जब कई बार मैं बाहर निकलता हूँ, मैंने एक अजीब सा पैटर्न ऑब्जर्व किया लोगों में। जैसे कई बार कोई किसी से रास्ता पूछता है तो बहुत से लोग कई बार रास्ता गलत बता देते हैं, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, ईगो को बचाने के लिए गलत ही बता देते हैं। कि कहीं कोई ये ना कह दे कि इस व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं मालूम, रास्ता झूठ ही बता दिया। अब ये तो एक बात, एक बार एक कार में एक व्यक्ति रास्ता पूछ रहा है तो उस बूढ़े व्यक्ति ने मना कर दिया कि मुझे ये रास्ता नहीं पता जो आप पूछ रहे हो। तो कार ड्राइवर के साथ में एक और व्यक्ति बैठा था, वो हंसने लगा, उसने कुछ कमेंट्स पास किए। अब बड़े ही अजीब लोग हैं दुनिया में। एक तो वो व्यक्ति एहसान कर रहा है बड़ी ईमानदारी से ये कहकर कि मुझे रास्ता नहीं पता, उल्टा उसका मजाक बनाया जा रहा है। शायद इस वजह से कुछ लोगों ने ये तरीका अपना लिया हो। जो वो व्यक्ति हंस रहा था, मजाक बना रहा था, उसने अपने भीतर किसी चीज़ को मजबूत किया। लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। उसने अपने भीतर एक ऐसे निखार को जन्म दिया, ऐसी ताजगी को जन्म दिया। ऐसे व्यक्ति को तो किसी आध्यात्मिक शिक्षा की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस धारा को पकड़ लिया जो ध्यान की धारा है। ये जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये जानबूझ के रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ताकि तुम्हें अपने भीतर एक एहसास हो। और ये एहसास बड़ा ज़रूरी है अगर कोई चाहता है कि उसके जीवन में मौन आए, शांति आए, ध्यान आए। तुम उनकी किताब पढ़ोगे कॉमेंट्री ऑन लिविंग, उसमें वो गॉसिप और वरी की बात करते हैं, चिंता करना, बिना सर पैर की बातचीत करते रहना। लगेगा कि बड़ी साधारण बात है गॉसिप और वरी, नहीं बल्कि ये कह रहे हैं
ये रेस्टलेस माइंड का रिजल्ट है। ऐसा मन जो सेंसिटिव नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो भीतर से सेंसिटिव नहीं है। बाहर से भी पत्थर है, अंदर से भी पत्थर है। सुनो इस बात को, गॉसिप। हमारे जीवन में ये गॉसिप क्या चीज है? बिना बात की बातचीत, बिना सर पैर की बातचीत, ये क्या चल रहा है हमारे भीतर? इसे हम ह्यूमन इंटरेक्शन कहते हैं। इससे अच्छा है कि तुम अलग अलग ही रहो तो बेहतर है। कह रहे हैं कि गॉसिप और वरी दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि वो थके हुए दिमाग की उपज है। क्या था उस लेडी का विचार कि मेरा पति मर जाए? गॉसिप बाहर तो चली रही है, प्रार्थना करते समय भी गॉसिप। अब इस विचार से डरने लग जाना, इसका मतलब ये है कि हम जानते नहीं हैं कि हमारे विचार असल में पैदा कैसे होते हैं। अब विचारों को देखने से क्या होता है? गॉसिप और चिंता ये विचारों में तो आती है। जिस समय हम चिंता करते हैं या कुछ भी भीतर बोलते रहते हैं, एक तो होता है किसी दूसरे से गॉसिप करना, एक गॉसिप भीतर चलती रहती है। ये भीतर क्या चल रहा है, हम क्या बात करते रहते हैं? क्या हमें इस बात का एहसास भी है कि बार बार किसी चीज़ को दोहराते रहने से विचार सत्य लगने लगते हैं? जिस समय व्यक्ति बिना होश के किसी चीज़ को दोहरा रहा है भीतर से, क्या तुम देख पा रहे हो जिस समय ये विचार आ रहे हैं, ये भीतर की जो संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी, जो फ्रेशनेस है, ये उसे नष्ट करते हैं। ये भीतर चिंता करते रहना, कुछ बोलते रहना, दोहराते रहना, क्या तुम इस खतरे को देख पा रहे हो कि ये बातें सत्य लगने लगती हैं? हो सकता है सत्य से इसका कोई लेना देना ना हो, लेकिन भीतर इतनी बार दोहराई गई बात उस व्यक्ति के लिए सत्य बन सकती है, हो या ना हो। ये देख पाना ही पहला और आखिरी कदम है ध्यान का। जिस समय व्यक्ति अपने भीतर कुछ भी दोहराए जा रहा है बिना जाने, चिंता किए जा रहा है, अगर वो यहाँ से भागे ना, इसे देखे कि ये हो कैसे रहा है, यहाँ से असल में सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत होती है। उससे पहले सिर्फ शब्दों का खेल खेला जा रहा है। और फिर ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि अब जैसे बाहर तो ज़्यादातर लोग ईमानदार नहीं हैं, लेकिन ध्यान तो बड़ी ईमानदारी की बात है। फिर ये मैनेज कैसे होगा? पहली तो ये बात है कि हम बड़ी जल्दी डर जाते हैं। पहले तो हमें यही नहीं पता कि ईमानदारी कमज़ोरी नहीं, बड़ी ताकत है। ईमानदारी की बात यह है कि अब निचले स्तर की बातें बंद हो चुकी हैं। ईमानदार हो जाने का एहसास ऐसा है कि अब निचले स्तर की बातें बंद हो चुकी हैं। बहुत गहराई से देख पाना यह ध्यान या फिर ये ईमानदारी, ये संकेत है कि किसी बड़ी खोज की ओर कदम उठाए जा रहे हैं, कि सेल्फ को रियलाइज किया जा रहा है, कि चिंता करने वाला गॉसिप करने वाला। जब मन बहुत रेस्टलेस फील करता है, कमज़ोर होने लगता है, तब वो इन बातों का सहारा लेता है। तो मैंने उस लेडी को बोला कि अपने विचारों को गहराई से देखने का प्रयास करें जब प्रार्थना कर रहे हैं। अगर उन्हें कहता कि कंट्रोल करना, तो ना जाने जैसे आज ये वाला विचार आ रहा है कि मेरा पति मर जाए, कल को ये विचार भी तो आ सकता है कि मेरा बेटा मर जाए। पहले पति वाले विचार को कंट्रोल किया, फिर बेटे वाले को किया। अब ऐसा नहीं है कि मन रुकने वाला है यहीं पे। जबकि बात यह है कि जो ये विचार कर रहा है कि मेरा पति मर जाए
और जो इस विचार को कंट्रोल करने जा रहा है, ये दोनों कोई अलग बातें नहीं हैं। क्या तुम अपने भीतर इसे देख पा रहे हो? तो प्रार्थना में कौन विचार कर रहा था? क्या विचार करने वाले से ये अलग है? अगर तुम कभी लंदन गए थे तो लंदन के प्रति जो विचार है तुम्हें आएंगे। मृत्यु का किसे नहीं पता, अपनी नहीं हुई लेकिन अभी दूसरे की मृत्यु को देखकर ही डर लग रहा है। कुछ भी विचार बनाए जा रहे हैं कि मृत्यु में ये होता होगा, वो होता होगा, पता है नहीं। तो मृत्यु के बारे में विचार आना या लंदन के बारे में विचार आना, ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। लेकिन हम ये देख ही नहीं पा रहे कि हम जबरदस्ती कुछ विचारों को बहुत गहरा महत्व दे रहे हैं। बातचीत आगे करते हुए उस लेडी ने ये बताया कि उसके आसपास जो लोग हैं उनकी कोई सहेली है, वो ये कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कहीं ये विचार सत्य न हो जाए, कहीं सच में मृत्यु न हो जाए। सिर्फ ये विचार उनकी प्रार्थना को भंग कर रहा है। अपने भीतर ये देख पाना, ये क्या चल रहा है भीतर, ऐसा कुछ चलने से मेरा जीवन कैसे चल रहा है, ये देख पाना अपने आप में एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना विचारों से नहीं की जा रही, ये विचार करने से, सोचने से एक अलग प्रक्रिया है जिसका एहसास बहुत से लोगों को नहीं है। अपने भीतर ये देख पाना और देखना भी ऐसे एकदम स्पष्ट कि भीतर असल में चल क्या रहा है, कौन परवाह करता है इतनी, जैसा चलता है चलने देते हैं। और फिर आगे चल के जब जीवन के ज़्यादा गहरे अर्थ नहीं मिल पाते, फिर लगता है जैसे कि जीवन व्यर्थ है, तो हम ये देख भी कहाँ रहे हैं कि प्रार्थना के नाम पे सिर्फ हम सोच विचार ही कर रहे हैं। क्योंकि भीतर से जो गॉसिप करने वाला है, जो सोच विचार करने वाला है, वही तो मैं है, वही तो सेल्फ है जिसे रियलाइज करना है कि वो असल में है भी या सिर्फ इकट्ठा किया हुआ है कुछ, कि वो असल में है भी, उसका विचारों से क्या संबंध है। अगर कोई देखेगी उसके ये विचार कैसे पैदा हो रहे हैं, फिर विचार भले ही कोई सा भी हो, क्या हमारी जो मेमोरी है उसके बिना विचार हो सकता है कभी? तो मेमोरी में विचारों को दोहराना कोई प्रेयर नहीं है, वो तो जैसे किसी फिल्म स्टार का विचार आ गया, किसी किताब में पढ़ा हुआ कोई विचार आ गया, किसी अनुभव में से कोई विचार आ गया। विचार कहाँ से आ रहा है? ये इस बात का बोध हो जाना कि प्रत्येक विचार कहाँ से जन्म रहा है और कैसे जन्म रहा है, इस बोध से फिर एक शांति आती है, जो शांति विचारों को कंट्रोल करने से नहीं आई, वो एक बहुत ही सच्ची जागरूकता से आई कि विचार हमारे भीतर एक प्रक्रिया है जिनकी एक सीमा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं को देख लेने से कि वो है या नहीं, इससे किसी की मृत्यु हो जाती है। असल में जिंदा दिली यहीं से शुरू होती है। फिर ये शांति ऐसी नहीं है कि विचारों को कंट्रोल कर लिया या दिमाग को सुन कर लिया किसी टेक्निक से, ये तो फिर एफर्टलेस है, ये तो फिर एफर्टलेस साइलेंस है। कृष्णमूर्ति पे बात कर रहा हूँ, अपने अनुभव उसमें मिलाए बिना बात नहीं कर सकता। आप चाहो तो उनकी ऑफिशियल चैनल पे उनकी वीडियोस को देख सकते हो। आप सभी लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो, क्योंकि मैं कृष्णमूर्ति नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से बात रखता हूँ। मौन हो जाना पत्थर हो जाना नहीं है, बल्कि भीतर की शांति या मौन तो एक बड़ी जिंदा दिली की बात है कि जीवन जीने का एक और ढंग आ गया है जो मैकेनिकल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक सुनने के लिए। एक निवेदन करूंगा आप लोगों से
अगर मेरा बोलना आप लोगों के जीवन में कुछ बेहतर कर पाता है तो आप मेरे इस प्रयास को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग ऑलरेडी ये कर भी रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सहयोग करना चाहे, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं।